हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तु मम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्या एक कटोरी गेहूं के आटे से बने स्नैक्स का रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं। और इसकी खास बात ये है फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो, कहीं सफ़र में भी जा रहे हो तो भी ले जा सकते हो, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो या ऐसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो। तो चलिए देर न करते हम लोग फटाफट से रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरे एक कटोरी भर करके रखा है आटा। तो ये फ्रेंड्स गेहूं का आटा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ गैस के ऊपर डाल दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए। जब थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पर बस थोड़ा सा डाला ऑयल, लगभग एक चम्मच, यानी कि जो छोटा चम्मच नॉर्मल चम्मच होता है ना खाना खाने का, वही उसी चम्मच से एक चम्मच डाल दिया था ऑयल। यहाँ पर थोड़ा सा डाला, थोड़े से जीरा, साबुत जीरा साथ साथ से डाला, थोड़े से सौंफ। तो सौंफ डालने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। बस एक गिलास जितना डाल दिया पानी, थोड़े से डाला चिली फ्लेक्स साथ में ही डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, थोड़ा सा डाला चीनी, अब यहाँ पर थोड़ा सा डाल दिया है थोड़े से तेल। तो सभी चीज़ डालने के बाद हम लोग जब पानी में थोड़ा बॉयल आना शुरू हो जाएगी तो इस स्टेज पर हम लोग डाल देंगे अपना गेहूं का आटा। तो ये देखिए गेहूं का आटा यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ। बस इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आटा डालते वक्त ना फ्लेम को एकदम लो रखना है, नहीं तो पानी जल जाएगी, आटा हमारी अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी। तो बस फ्लेम को एकदम लो रखना है गैस का, और इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना है आटे को मिक्स। तो इस तरह से लगातार हम लोग चलाएँगे, आटा डालने के बाद रुकना नहीं है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो पानी में, और इसका आप लोग थिकनेस भी देख सकते हैं, जिस तरह का आटा के हम लोग डोर लगाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही। तो बस यहाँ पर रख लिया है एक थाली में, बड़ा सा थाली में, और ये एकदम ठंडी जब हो चुकी थी तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये एकदम ठंडी हो चुकी है, बस एक चम्मच इतना ऊपर से डाल दिया ऑयल। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऑयल डालने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो। तो ऑर्गेनो ना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, या जिस वक्त हम लोग पानी डाले, पानी के साथ जो भी मसाला वगैरह डाले थे उस समय भी आप लोग डाल सकते हो। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ऑयल और ये ऑर्गेनो को। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हाथों से पूरा मसल मसल करके मिक्स करना है, ताकि हमारी आटे भी सॉफ्ट हो जाए इसी के साथ। ऑलरेडी आटा ये सॉफ्ट है, ज़्यादा इसमें परेशानी होने की बात नहीं है, यानी कि इसमें ज़्यादा कोई खास मेहनत नहीं लगने वाली है, क्योंकि गेहूं का आटा एक ऑलरेडी सॉफ्ट होती है। तो बस इस तरह से हाथों से मैं इसको एक लोई लिया बड़ा सा, और इसको ना हाथों से मैंने यहाँ पर फैला लिया। चाहो तो आप बेल भी सकते हो बेलन से, ऐसे इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए मैं हाथों से फैला लिया। आप चाहो तो थोड़ा सा सूखा आटा डाल करके इसको बेलन से बेल भी सकते हो। तो इस तरह का मेरे पास था स्टार शेप्स का कटर, तो इस तरह से मैंने डीप किया और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर शेप बना करके कर लिया था रेडी। तो इसी तरह से मैंने सारे स्नैक्स का शेप दे दिया था। अगर आपके पास इस तरह का कटर ना हो ना, तो कोई सा बोतल का ढक्कन ले सकते हो, या कोई कटोरी ले सकते हो, या जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसका डिजाइन निकाल करके कर सकते हो रेडी। तो ये देखिए सारे स्नैक्स हमारे बन करके हो चुके रेडी, यानी कि फ्राई होने के लिए हो चुके रेडी। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है अभी से ही देखने में। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अभी आधा ही आटा का यूज किया है, आधा आटा मैं बाद में करूँगी यूज। तो बस आप लोग देख सकते हो बस सारे स्नैक्स को चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल मैं पहले से रख रखी थी गर्म होने के लिए, ताकि फटाफट से स्नैक्स हमारी बन जाए। तो ऑयल जब गर्म हो चुकी थी तो फ्लेम को एकदम लो कर लिया था, और बस इसको डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ना इसको हम लोग फ्राई करेंगे। एकदम से हाई नहीं रखना है, चाहो तो एकदम लो भी रख सकते हो या लो टू मीडियम भी फ्लेम रख सकते हो, ठीक है। तो बस इस तरह से इसको पलटा लेंगे जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जब ये क्रिस्पी हो जाएगी तब। तो ये देखिए आप लोगों को अभी देख करके पता चल रहा होगा कि एकदम ये फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। तो चलिए बस इसको हम लोग निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए सेम इसी तरह से सारे स्नैक्स को हम लोग फ्राई कर लेंगे। एकदम इसका कलर जब डार्क हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तब हम लोग इसको पलटा देंगे। और आप लोग अभी देख रहे होंगे कि ये कितना ये फूला हुआ है, तो एकदम फूली फूली सी बनी थी हमारी ये स्नैक्स।
तो बस इसी तरह से सारे स्नैक्स यहाँ पर फ्राई करके मैं रेडी कर चुकी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका लुक। चाहो तो ऊपर से थोड़ा सा ना चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी चाट मसाला स्प्रिंकल करने की, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा मसाला डाले तो ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ चाय के साथ। अगर आप चाहो तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, केचप के साथ भी, या ऐसे भी खा सकते हो। ऐसे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है ये रेसिपी। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में उतना ही ज़्यादा था टेस्टी थी। किसी को भी खिलाओगे तो यकीन नहीं करेगा कि ये गेहूं का आटा का बना हुआ है। ऊपर से एकदम क्रंची था और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगी हो कुछ लाइक करना, शेयर करना, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। अगर चैनल पर नहीं आते तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देना, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।